सुन रही है ना ये धुन, है ना बहुत हृदय स्पर्शी। सीधी चली आ रही है राजस्थान की मिट्टी से, यानी कि वहाँ की गर्म लहरिया रेत से। सूखी गर्म हवाएं धूल उड़ाती मदमस्त सी सररर बही जा रही है, और हृदय में उतर जाने वाली ये धुन कह रही है, मगर क्या ये कह रही है? उन दो प्रेमियों की दास्ता जो बस एक दूजे के लिए बने थे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ढोला और मारू की। इनकी प्रेम कहानी राजस्थान के हर प्रेमी प्रेमिका की कहानी है। राजस्थान जहाँ की ऊंची ऊंची हवेलियाँ, कंगूरे, गर्म सख्त धूप जो बिखरी है सुनहरी रेत पर, दौड़ते ऊंट, उनके गले में बंधी घंटी की रुनझुन, मोरनी गीत पर थिरकती कोमलांगियाँ, और बाके छैल छबीले ढोला के मारवी राग के दोहे पर बलखाती इठलाती ये सुर बालाएं, अस्थि कली के घाघरे की झल बिखेरती अपने रूप लावण्य का जादू चलाती हैं, और उसके नृत्य पर मोहित ढोला कह उठता है, मारू मताना प्रेम करूं हूँ, आ आ मेरी मृगनैनी चाल चाला ऊंटा की सवारी करना। मारू भी उसके इस मस्ताने अंदाज पर फिदा प्रेम की गंगा में डुबकी लगाने उतर गई। बस यहीं से आरंभ होती है हमारी ढोला और मारू की प्रेम कहानी। नरवर के राजा नल के सुपुत्र सालक कुमार यानी कि ढोला का विवाह 3 साल की आयु में जांगलू देश बीकानेर के पवार राजा पिंगल पुंगल क्षेत्र के की पुत्री मारू से हो गया, परंतु उनका गौना नहीं हुआ था। दिन बने महीने, महीने सालों में तब्दील हो गए। राजकुमार और उधर राजकुमारी दोनों व्यस्त हो गए। इसी बीच राजकुमार का दूजा ब्याह हो गया। क्योंकि राजकुमार का पहला विवाह बचपन में हुआ था तो वो ये सब भूल चुके थे, और दूसरी पत्नी मालवणी की आ जाने के बाद तो वे इस सत्य से बिल्कुल ही बेखबर हो गए। उधर पोंगल की राजकुमारी मारुवन की प्रतीक्षा यौवन की दहलीज थी, अपने बीर की प्रतीक्षा की सुंदर क्षणों की सौगात लिए। उनका रूप ऐसा खिला, ऐसा खिला कि 116 चांद की रात को भी मात देता था। राजकुमारी के रूप के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। अपने साजन का पल पल इंतजार देख पिता ने उसके ससुराल कई बार संदेश भिजवाए, मगर सालक कुमार की दूसरी पत्नी ये नहीं चाहती थी कि उसकी सौतन यहाँ वापस आए, क्योंकि मारू बहुत सुंदर थी और मालवणी को ये लगता था कि उसके आ जाने से राजकुमार उससे दूर हो जाएंगे। इसलिए जो भी संदेश वाहक पोंगल से नरवर के लिए रवाना होता था वो उसे मार्ग में ही मरवा देती थी, मौत के घाट उतरवा देती थी। जब ऐसा कई दफा हुआ तो पोंगल राजा ने एक ढोले को दूध बनाकर वहां भेजने की योजना सोची, क्योंकि उनसे अपनी पुत्री का दुख देखा नहीं जा रहा था। राजकुमारी संदेश वाहकों की हत्या के विषय में जानती थी, इसलिए उसने ढोले को नरवर रवाना होने से पूर्व अपने पास बुलाया और मारू राग में कुछ दोहे बनाकर तथा ये भी समझाया कि उसे राजकुमार के समक्ष उसे कैसे गाना है। ढोले ने राजकुमारी को यह आश्वासन दिया कि वह राजकुमार को दोहे सुनाकर ही वापस लौटेगा, अन्यथा वापस नहीं आएगा, ताकि उनको फिर से राजकुमारी की याद आ जाए और वे उन्हें लिवा ले जाए। ढोला एक भिखारी के वेश में नरवर की यात्रा को रवाना हो गया। आधी रात को वो वहां पहुंचा। रिमझिम रिमझिम बारिश पड़ रही थी। ढोला ने राजकुमार के महल के नीचे खड़े होकर बरसती फुहार में मेघमल्हार राग में दोहे गाने शुरू किए। राजकुमार मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। दोहे में राजकुमारी का नाम आया। उसे सुनते ही राजकुमार को राजकुमारी की याद हो आई। ढोला आगे गाए जा रहा था कुछ इस प्रकार, आखणिया डबर भई नयन गवाया रोए, क्यों साजन परदेश में रया बिडाणा होए। मतलब आंखें रक्तिम वर्णी हो गई है मेरी, रो रो कर नयन गवा दिए हैं मैंने।
दुज्जग नयन न सांभरी मना न बिसा रहे कूंजा लाल बचा हज्यू खिड़खिड़ बिता रहे। लोगों की बातों में आकर आपने अपनी मारू को हृदय से निकाल दिया है। पूजा पक्षी के लाल बच्चों की भांति मैं उसे याद कर रही हूँ। आंसुओं से भीगे चीर को निचोड़ते निचोड़ते मेरी हाथों में छाले पड़ गए हैं। अब वह आगे कहती है, जी तू साहिबा ना आवगो सावण पहली तीज बीजल तने झबू कड़े मधु मरेसी खीज। यदि तुम सावन की पहली तीज को ना आए तो मैं मुग्धा बिजली की चमक देखते ही मर जाऊंगी। नमणी खमणी बहुगुणी सुकोमली सुकुंच गोरी गंगा नीर ज्यू मन गर्वी तन अच्छा। दोहे में छिपा अर्थ ये था कि खूबसूरत राजकुमारी वियोग में है क्योंकि उसका राजकुमार उसे लेने नहीं आया। राजकुमारी की मुखड़े की चमक सूरज की भांति है। झिलमिलाते वस्त्रों में उसका रूप ऐसा दमक रहा है जैसे कि स्वर्ण झांक रहा हो। राजकुमारी की मूंग सरीखे होठ हाथी जैसी मस्तानी चाल हीरे जैसे दांत बहुमुखी प्रतिभा के धनी राजकुमारी क्षमाशील व विनम्र भी है जिसे उसका प्रीतम भूल गया है। ये सुनकर राजकुमार को सब कुछ स्मरण हो आया और उसने निश्चय किया कि वह अपनी पत्नी को लिवाने जाएगा। परंतु चतुर मालवणी फिर उसे अपने माया के जाल में फंसा लेती है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं मगर अब राजकुमार भी अपनी पहली पत्नी से मिलना चाहते हैं और वो एक तेज चाल के ऊंट पर निकल पड़ते हैं अपनी राजकुमारी को लेने के लिए। पोंगल पोंगल के राजा बहुत प्रसन्न होते हैं अपने जमाई राजा को देखकर। उधर राजकुमारी भी मंत्रमुग्ध हो जाती है, बहुत प्रसन्न हो जाती है राजकुमार से मिलकर। दोनों साथ साथ कुछ दिन वहीं रहते हैं पोंगल में। तत्पश्चात राजकुमार राजकुमारी को लेकर महाराज से आज्ञा लेकर निकल पड़ते हैं। रास्ते में राजकुमारी को एक सांप काट लेता है। वहीं से शिव पार्वती जी गुजर रहे थे। वे राजकुमार को विलाप करते देखकर राजकुमारी को जीवन दान देते हैं। परंतु रास्ते में राजकुमार का सामना उमरा शुमरा नामक जोगी से हो जाता है जो धोखे से राजकुमारी मारू को हासिल करना चाहता था। वह रास्ते में ही जाछम की महफिल सजाकर बैठ जाता है। उमर की मनुहार पर राजकुमार ऊंट से उतरकर हम्मल की मनुहार लेने उमर के साथ बैठ जाता है। राजकुमारी को राजकुमार ऊंट पर ही बैठे रहने को कहता है। राजकुमार और उमर अफीम की मनुहार ले रहे थे परंतु मारू देश से संग आया ढोली बहुत चतुर व ज्ञानी था। वह उमर के गलत इरादों को भाप गया था और उसने राजकुमारी के कानों में कह दी सारी बात। राजकुमारी भी राजपुतानी थी, घबराई नहीं, उसे एक युक्ति सूझी। उसने अपने ऊंट को एड़ मारी और ऊंट सर पर दौड़ने लगा। ऊंट को भागता देखकर राजकुमार सकपका गया और राजकुमारी को पकड़ने के लिए दौड़ा। जब राजकुमार राजकुमारी के करीब आया तो राजकुमारी ने कहा, धोखा है, हत्या की योजना बनाई है तुम्हारी, जल्दी चढ़ो ऊंट पर। दोनों जैसे ही एक साथ ऊंट पर बैठ गए, ऊंट तेजी से दौड़ा और वे अपनी मंजिल यानी नरवर पर ही जाकर रुके। राजकुमारी मारू का वहां भव्य स्वागत हुआ और दोनों ने खुशी खुशी जीवन भर एक साथ प्रेम से जीवन बिताया। उन दोनों की ये कहानी है, उन दोनों प्रेमियों की कहानी है ये, जिसे ढोला मारू के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में ये कहानी अमर है। आज भी युगल और प्रेमी जोड़े जो हैं अपने प्रेम को ढोला मारू के प्रेम से एकाकार पाते हैं। आज भी इन वादियों में ढोला मारू के गीत गूंजते हैं, बहते हैं, बहते हैं।